व्हाट्सअप गाइस, सो फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पे। और आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कोलकाता का कबाब टेस्ट करने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता में। अभी कबाब का नया एक डेस्टिनेशन हुआ है मानिकतला एरिया में, और अभी हम लोग है बारबेक्यू ठेला के पास। बात करते हैं वहाँ के जो अभी ओनर तो नहीं कहेंगे, जो भैया है उनसे बात करते हैं, उनसे बात करके पता करते हैं क्या। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो गाइस अभी बहुत जल्दी से एक बात करना है उनसे। बताइए सर, आपने कैसे प्लान किया, कैसे प्लान आफ्टर लॉकडाउन? मैंने सोच रहा था कि कैसा करूँ, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो, क्योंकि मेरा आइडिया भी लोग भी ले सके, वो भी अपना कुछ कर सके। मैंने ये पूरा डिज़ाइन आपने ही तो किया? पूरा मेरा खुद का ड्राइंग है। नॉर्मल ठेला है, लेकिन उसको कुछ अलग से बनाने का कोशिश, मॉडिफाई करके कुछ अलग से करने की कोशिश, क्योंकि ये जो फ्राइड चिकन है ना, तो उसको ये पहले लोग कैसे, जो पुराने इंसान होते थे, आदिम जिन का जो लोग होते थे, उसको केवमैन कहते थे। मेरा जो ड्राइंग है वो केवमैन कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। आगे भी फॉलो किया कि इस तरह का डिज़ाइन किया, वो पीछे आर्ट भी ट्राइबल आर्ट है। हाँ, वो भी बनाया, इसके रिगार्ड उसको रिलेटेड बनाया है। तो आप लोग ये जो आइटम्स है कैसा चल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है? रिस्पॉन्स तो अच्छा हो रहा है। अभी पहले ये अलग से हम लोगों का, जैसे रेस्टोरेंट में अलग से टोकन काउंटर होते हैं, तो हम लोगों ने अच्छे रस्ते के ऊपर, रोड साइड के ऊपर टोकन काउंटर, तो खुद का स्कूटर को बना लिया टोकन काउंटर। वो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, स्कूटर है एक, स्कूटर को वो ऐसे डिज़ाइन किए हैं, उसको एक काउंटर बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका आइटम्स है, जैसे उनके जो रेगुलर आइटम्स होते हैं, बॉन्ग कबाब, रेसमी कबाब, शीजवान कबाब, जो अवेलेबल होते हैं, सो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे लिस्ट। और पावर तो कहीं नहीं मिलता, इसलिए पावर बैंक से हम लोग पावर को पूरा सप्लाई करते हैं। मतलब पूरा स्कूटी का पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, अपना पूरा काउंटर को डेकोरेशन करना। तो आप लोग का स्पेशल, तो हर काउंटर का एक स्पेशल कुछ आइटम होता है। देखिए नॉर्मल आइटम क्या आप दे रहे हैं? नॉर्मली रेशमी होता है, हरियाली होता है, अचारी होता है, ये कॉमन होता है। लेकिन हम लोगों का सिग्नेचर है बॉम कबाब, ये मास्टर से बनता है, बंगाली का एक अलग सा क्या बोलते हैं उसका छाव है उसमें। मतलब इसमें आप लोग यूज़ कर रहे हैं सरसों यूज़ कर? हाँ, सरसों का है। और सीजन भी हम लोग का अलग है, ये लोग समझते हैं कि ये थोड़ा झाल है, लेकिन झाल नहीं है, स्पाइसी अलग सा है बनता है। और हम लोगों का ये गार्लिक है, चीज़ गार्लिक और ये भी मिलता है, लेकिन हम लोगों का खुद का डीप, हर 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 कबाब का डीप अलग है हम लोगों का। मतलब ये आपका कुछ अपना स्पेशल कुछ उसमें आप ऐड कर रहे हैं, करके उसे बना रहे हैं। तो स्पेशल में बॉम कबाब जो आप लोग का ये सिग्नेचर आइटम है? हाँ, ये सिग्नेचर आइटम है। सीजवान का सॉस भी अलग है, और गार्लिक का सॉस अलग है, और रेशमी अचारी हरियाली का जो पुदीना वाला सॉस होता है, कार्ड से वो वाला सॉस है। तो भैया टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसे एक्चुअली टेस्ट हम लोग को लग रहा है। ओके, फाइनली गाइस हाफ एन आवर के वेट के बाद हम लोग को मिला है। पीछे में आप क्राउड देखिए, मेरे पीछे में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, पीछे मेरे प्रोडक्शन क्राउड देखिए कितना भीड़ है। हम लोग कबाब मिल गया अभी, अब कबाब खा के देखते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है एक्चुअली। तो चलिए अब टेस्ट करके आपको बताते हैं एग्जैक्टली ये जो सॉसेस दिया हुआ है यहाँ पर, सॉस का टेस्ट कैसा है कबाब के साथ। मतलब क्राउड इसी वजह से ही है, इस सॉस में जो टेस्ट है, और कबाब सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर जो कबाब का टेस्ट है वो सुपर। अभी मैं शीजवान टेस्ट कर रहा हूँ, शीजवान का टेस्ट रियली गुड। गार्लिक अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, और गार्लिक में थोड़ा टेस्ट सॉस को पहले, सच में शीजवान एक्चुअली बोल रहे हैं स्पाइसी है, लेकिन स्पाइसी नहीं है। और गार्लिक का सॉसेज भी बहुत अच्छा है, मैं तो एक बार आप शीजवान ट्राई कीजिए, सच में गार्लिक से बेटर लगा मुझे शीजवान। अब उन लोगों का स्पेशल आइटम जो है बॉम कबाब, उसे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं उनके, तो उनसे बात करते हैं एक्चुअल उनको टेस्ट कैसा लगा। अनकमन कुछ टेस्ट है यहाँ पर, मुझे तो रेशमी का बहुत अच्छा लगा, उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का सॉस था, तो वो मुझे मैंने उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। मैंने सॉसेस थोड़ा अलग टाइप का मिला, हर कबाब स्टोर में जैसे होता है उस थोड़ा अलग टाइप का मिला है, अच्छा लगा। ठीक है, आपको कैसा लगा?
আমারও ভালোই লেগেছে, মানে রেশমি কাবাব এদের এনাদের বং কাবাব যেটা আছে না, শিজুয়ান কাবাবের সসটা খুব সুন্দর। শিজুয়ান কাবাবটা খুব, হ্যাঁ শিজুয়ান কাবাবটা খেতেও খুব ভালো। তো ফাইনালি গাইস মিল গয়া হ্যায় উন লোগো কা স্পেশাল সিগনেচার আইটেম বং কাবাব। আব ইসে টেস্ট করতে হ্যায় অর আপ লোগো কো বাতাতে হ্যায় ইসকা টেস্ট কাইসা হ্যায়। সরসো কা ইসমে ম্যাগনেট কিয়া হুয়া হ্যায় অর ও লোগ সসেস আলাগ আলাগ হ্যায় ইসমে, দো তরহ কা সসেস হ্যায়। তো ইসকো টেস্ট করতে হ্যায়। उनकी सॉसेस में बहुत जादू है, ठीक है, इसलिए आधा घंटा से वेट करना पड़ा हम लोग को। मैं डेफिनेटली बोलूँगा आप लोग आगे एक बार ट्राई कीजिए बॉन्ग कबाब और शिजवान कबाब, ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और लोकेशन है होम्यो हॉस्पिटल है जो यहाँ पर, उसके ऑपोजिट में ही है, यहाँ पर उसके ऑपोजिट में ही ये बारबेक्यू ठेला है, ठीक है। डेफिनेटली आइए और इस कबाब को टेस्ट करके मुझे ज़रूर टैग कीजिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन छुपछुपाया खा रहा है उसका भी वीडियो आएगा थोड़ी देर में, आपको उसके बाद दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देखिए एक दिन छुपछुपा के खा रहा है, तो आज आके छुपछुपाया हुआ है लेकिन इतना टेस्टी लग रहा है तो रुक नहीं पा रहा है। मैरिनेट बहुत अच्छा हुआ है और इसके सीरियसली इसका जो सॉस है उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। नहीं उन लोगों का इस सॉसेज में लेकिन अलग एक जादू है जो खाने में जो मज़ा लग रहा है, एक छुप छुपा के खा रहा है, उसलिए हो गया मैंने आज बात भी नहीं कर पा रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब आज सिर्फ मेरे को कोई बोलने का है नहीं, आप लोग आइए आके टेस्ट कीजिए और शायद मुझे लग रहा है मेरे जैसे ही रिएक्शन होगा आप लोग का, थोड़ी कबाब गिर गई है। सो गाइज आप डेफिनेटली आइए यहाँ पर मेरे पीछे ये बारबेक्यू ठेला, डेफिनेटली यहाँ पर आके एक बार ट्राई कीजिए। और इस तरह का वीडियो अगर रेगुलरली बेसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज आज का ये कबाब का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में एक बार बताइए, और अगर आप टेस्ट कर रहे हैं कोई भी कबाब ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कौन सा कबाब आपको अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक कीजिए।